हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर विभिन्न प्रकार की वीडियो पोस्ट की है। बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा कि वास्तु दोषों को लेकर बनाई गई है, कि किस प्रकार से घर के वास्तु दोष हैं, ऑफिस के वास्तु दोष हैं और इनका किस प्रकार से हल ढूंढा जा सकता है, क्योंकि वास्तु दोष के कारण घर में और ऑफिस में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रकार की दिक्कतें प्रारंभ हो जाती हैं। तो हमने प्रयास ये किया कि इनका छोटा छोटा उपाय करके हल निकाला जा सके। तो इनको लेकर हमने बहुत सारी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड की हैं। साथ ही आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियो हमने दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खों को लेकर बनाई गई है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि जीवन में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हम सामना करते हैं, तो उनका किस प्रकार से छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हल ढूंढा जा सके। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपकी छोटी छोटी समस्याओं को किस प्रकार से दादी माँ के नुस्खे और नानी माँ के नुस्खों के और उपायों के माध्यम से हल ढूंढा जा सके। तो अब हम आपको राशिफलों के बारे में बताते हैं कि राशिफल एक बहुत ही जरूरी चीज होती है, किस प्रकार से सावधानियां बरती जा सकती हैं और किस प्रकार के उपायों के माध्यम से, छोटे छोटे उपायों के माध्यम से हम हल ढूंढ सकते हैं। तो आज हम आपको सेगिटेरियस यानी कि धनु राशि के बारे में बताते हैं कि 2021 धनु राशि के लिए किस प्रकार का रह सकता है और क्या क्या वहां पर संभावनाएं हैं और क्या क्या वहां पर हमें असुविधा हो सकती है और उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो आइए देखते हैं सेगिटेरियस धनु राशि 2021 का राशिफल। तो दोस्तों, धनुराशि 2021 का जो राशिफल है उसके हिसाब से आप साहसी हैं, पराक्रमी हैं और कई मौकों पर आपकी विजय होगी, चाहे आपके पास शत्रुओं की कितनी बड़ी सेना क्यों ना हो, लेकिन आप विजयी होंगे अपने साहस, अपने पराक्रम और अपनी बुद्धि के बल पर। तो दोस्तों, धनुराशि के जातकों के लिए 2021 एक अनुकूल वर्ष रहने वाला है और ये काफी आनंद लेकर आएगा। आर्थिक पक्ष भी आपका मजबूत होगा और विभिन्न समस्याएं जो आपके सामने आ सकती हैं उनका आप बहुत ही मजबूती की तरह सामना करेंगे और कामयाबी पाएंगे। आपका साहस और पराक्रम आपको कई मौकों पर विजयी बनाएगा और आप समस्याओं के सामने कभी भी घबराएंगे नहीं, और यदि किसी प्रकार से प्रयास हुआ भी तो विजय आपकी होगी। कोर्ट के जरिए के मामले भी लगता है कि आपके फेवर में ही रहेंगे। तो 2021 का जो वर्ष है दोस्तों, वो नई नई बातें लेकर आएगा, सीखने के लिए, सिखाने के लिए, जानने की प्रवृत्ति बढ़ेगी आपके अंदर और परिवार के लोगों का पूरा ध्यान रखेंगे। परिवार का वातावरण भी आपके सूझबूझ से और बेहतर बनेगा। पुरुषों को आप मानते हुए कुछ पुराने कार्यों को पूरा करेंगे जिससे आपके परिवार की मान मर्यादा बढ़ेगी और परिवार में आपको भी अच्छा ओहदा प्राप्त होगा। इस साल विदेश यात्रा जाने की अगर कोई लालसा रखता है, कोशिश करता है, तो उसको व्यवधान तो आएंगे लेकिन सफलता मिलेगी। व्यवसाय में भी आप अवश्य ही कामयाब होंगे और आप अपने माता पक्ष के लोगों से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनसे आपके संबंध बिगड़ सके, इसलिए समय रहते इन बातों को जानकर संबंधों को टूटने से बचाने का प्रयास करें। इस साल 2021 के धनु राशि के जातकों को चल और अचल संपत्ति का भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा और अपने परिवार में छोटे भाई बहनों के माध्यम से भी आपको लाभ हो सकता है और आवश्यकता पड़ने पर आप आर्थिक मदद भी करेंगे। अपने मित्रों का साथ भी आपको मिलेगा और आप उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन छिपे हुए दुश्मन जो होते हैं उनसे आप हमेशा थोड़ा सावधान हैं, क्योंकि वो आपके कामों में थोड़ी ही विघ्न डाल सकते हैं। आपके अंदर जो धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी और आध्यात्मिक और पूजा पाठ के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और इससे आपका मन भी खूब लगे। कई मौकों पर आप तीर्थ स्थानों पर जाने का भी आपके लिए अच्छा योग बनता दिख रहा है हमें। तो ओवरऑल आपकी राशि अच्छी रहने वाली है 2021 को लेकर धनु राशि। तो भी जानते दोस्तों पहले वैवाहिक और जो संबंध पारिवारिक संबंध होते हैं उनके बारे में। यदि दोस्तों आप प्रेम संबंधों की बात करें तो अच्छा रहने वाला है 2021 आपके लिए। आपके रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा। बीच बीच में कुछ मतभेद तो सभी के हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका जो जीवन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा और आप एक दूसरे के नजदीक आएंगे और आपके ऊपर प्यार का एक अलग ही जो रंग होता है वो डूबा रहेगा। समाज की कोई परवाह ना करते हुए आप अपने रिश्तों की मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपके लिए साल की शुरुआत में
2 महीने और वर्ष का उत्तरार्ध बहुत अनुकूल है, इसलिए समय बेहतरीन है, तो कोई भी कसर मत छोड़िएगा, तो आपका समय आपका साथ अवश्य देगा, समय आपके अनुकूल है और आप शादीशुदा हैं, तो आपके जीवन के दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, आप दोनों के मध्य आपसी समझ विकसित होगी और आप अपने रिश्तों को और भी बेहतरीन तरीके से निभाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब के बीच जीवन साथी का बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के बारे में पूरा ख्याल रखें। अब बात करते हैं दोस्तों वित्तीय लेन देन और धन संबंधी बातें करते हैं धनुराशि के लिए 2021 के लिए। तो धनुराशि के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफी अच्छा रहने वाला है, निश्चित आमदनी बनी रहेगी, इससे आर्थिक तौर पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ खर्चे जरूर होंगे, आप केवल आवश्यकता ही नहीं बल्कि कुछ आध्यात्मिक धार्मिक और ऐसे ही कुछ अन्य कार्यों पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, इसे बीच बीच में ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाएगा जिसे आपको यह सोचना पड़ेगा कि कहीं आप गलत कार्य तो नहीं कर रहे, क्योंकि आपको आर्थिक तौर पर कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी और वे जिम्मेदारी इतनी आवश्यक होंगी कि आपको उनके लिए धन अर्जित करना ही पड़ेगा, इस समय आपका खोया हुआ धन वापस लौट सकता है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। 2021 की शुरुआत में धनुराशि के जातकों को अपने पिता से भी संपत्ति प्राप्त होगी और शुरुआती 2 महीने आपके लिए बहुत अनुकूल है और इसके बाद वर्ष पर्यंत आपकी मेहनत आपके लिए नए द्वार खोलेगी और आपको धन की प्राप्ति लगातार होती रहेगी, तो धन के मामले में धनुराशि के जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय है 2021 के लिए। अब बात करते हैं नौकरी पेशा और व्यापार की, तो व्यापार की दृष्टि से नौकरी की दृष्टि से अच्छा रहने वाला है 2021 का वर्ष, आपको अपने काम का उचित प्रतिफल मिलेगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, केवल इतना ही नहीं आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे खुश रहेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, प्रमोशन की संभावना भी हमें दिख रही है और मई जून के बीच और उसके बाद अगस्त के महीने में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय नौकरी से संबंधित कुछ समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं, शेष समय आपकी नौकरी मजबूत बनी रहेगी और यदि कोई व्यापार करते हैं तो 2021 की शुरुआत अच्छी रहने वाली है, आपकी समझदारी भी आपके साथ मिलकर आपको पूरा मेहनत देगी और आपको महत्व मिलेगा आपकी समझदारी में भी, और जो आपकी साझेदारी है उसमें भी आपको आपका हिस्सा अवश्य मिलेगा, जो मेहनत है आपकी जो महत्व है आपका वो आपको प्रतिष्ठा के हिसाब से अवश्य मिलेगा, व्यापार बढ़ने से साझेदारी की मदद मिलेगी, वर्ष की शुरुआत में पूंजी निवेश करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि वह नुकसानदायक साबित हो सकता है, वर्ष का मध्य भाग और अंतिम महीने आपके बिजनेस को रफ्तार देने के लिए अहम भूमिका निभाएंगे, तो यह व्यापार के और नौकरी पेशे के हिसाब से यह काफी अच्छा और मजबूत स्थिति हमें दिख रही है, चाहे वो व्यापार साझेदारी का हो या आपका अकेला हो, और नौकरी में भी कुछ समय विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन उसका समझदारी से सामना करेंगे तो आप अवश्य ही लाभ रहेगा और आप लाभ की स्थिति में 2021 में धनुराशि वाले रहेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा और ज्ञान की, यदि कोई विद्यार्थी है कि ना दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुरुआत बहुत ही अच्छी रहने वाली है और आपकी शिक्षा के जो क्षेत्र है उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, आप मेधावी रहेंगे और आपकी गणना अच्छे विद्यार्थियों में होगी, यदि विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में ही अपने घर और परिवार से दूर जाकर पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा, यह अवसर आप बिल्कुल भी खोए नहीं और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहेंगे तो आपको अवश्य ही 2021 के जो प्रारंभ है उसमें अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे, उन्हें अपनी इच्छा पूरी होने से खुशी होगी और जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आप के लिए आवश्यक होगा कि पूरी प्लानिंग करें पक्की तैयारी करें तब जाकर आंशिक तौर पर सफलता मिलने की संभावना है, पर संभावना आपकी मेहनत पर निर्भर करती है कि फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ आप चलते हैं तो आपको कभी भी कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, आपके लिए जो सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए थोड़ी कमजोर रह सकती है, आपका असंतुलित खान पान और अनियमित दिनचर्या आपकी सेहत को खराब करने में एक अहम भूमिका निभा सकती है, इस वर्ष आपको आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, वहीं किसी चिंता की वजह से नींद कम आने से भी परेशानियां हो सकती है, खासतौर पर से समय समय पर आपको अपनी आंखों को पानी से धोना चाहिए और आवश्यक होने पर चिकित्सा से परामर्श कर लेना चाहिए, कुछ ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जो अचानक से उठेंगी लेकिन किसी प्रकार के डायग्नोस्टिक्स में नहीं आएंगी,
हालांकि ये सर्वाधिक समाप्त हो जाएंगे, इसीलिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धनुराशि जातकों के लिए 2021 स्वास्थ्य की दृष्टि से औसत से बेहतर रह सकता है। मध्यम भाग से लेकर साल के अंत तक का समय काफी अच्छा, केवल शुरुआती हिस्से में आपको थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य के माध्यम से भी और आर्थिक दृष्टि के माध्यम से भी, शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से भी, व्यापार की दृष्टि से भी और पारिवारिक संबंधों की दृष्टि से भी धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष और लाभदायक वर्ष ये रहने वाला है। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, मेहनत से कभी भी पीछे ना हटे और अपने प्रयासों को जारी रखें और अपनी समझ के हिसाब से सही फैसला लें। सोचने से पहले अच्छे तरीके से हर एक सोच विचार करके फैसला लेंगे तो सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी और आप अवश्य सफलता की सीढ़ी पर चढ़ेंगे। हम इसी शुभकामना के साथ में सभी धनुराशि के जातकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए यू एंड मी।